हेलो स्टूडेंट्स आई एम निधि इंग्लिश फैकल्टी एट मोशन फाउंडेशन एंड दिस वीडियो इज़ फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट द आई दैट इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड. ठीक है तो पहले तो थोड़ा सा जानते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड के बारे में आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है इस पेपर को अटैम्प्ट करने से पहले ठीक है आप जो भी आ, इस पेपर को देने वाले हैं इस ओलम्पियाड को अटैम्प्ट करने वाले हैं उनको सबसे इम्पोर्टेंट तो जानना क्या है कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें ये इस वीडियो में मैं मेनली आपको यही तरीके के क्वेश्चन बताऊँगी इसके फोर सेक्शंस होते हैं बच्चों ठीक है बेसिकली क्लास फिफ्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ तक के बच्चों के लिए किस तरीके का पेपर होता है इसमें आते हैं आपके फिफ्टी क्वेश्चन ठीक है फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं जिनको कि सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं सिक्सटी मिनट्स दैट इज़ वन आवर ओके वन आवर में आपको फिफ्टी क्वेश्चन करने होंगे सबके सब ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन होते हैं एम सी क्यूज होते हैं अब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों ये जान लेते हैं हम इसमें फोर सेक्शंस होते हैं मेनली ठीक है फोर सेक्शंस होते हैं तो उसमें फर्स्ट सेक्शन क्या होता है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज ठीक है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज क्या होता है आपके बेसिकली ग्रामर वाले जो टॉपिक्स होते हैं जो कि आप क्लासेस में स्कूल में इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ते हो उसमें जिस तरीके के टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले टॉपिक्स आ गए जिसमें कि आपके नाउन प्रोनाउन एडवर्ब्स ये सब आते हैं ये वाले टॉपिक्स होते हैं फिर कुछ आपके दूसरे आते हैं जैसे कि आर्टिकल्स हो गए उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं देन वेरी इंपॉर्टेंट इज टेंस ठीक है टेंस के क्वेश्चन आते हैं नरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है छोटी क्लासेज में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से पढ़ते हैं इस टॉपिक को एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है बाकी आपके जो वोकेबलरीरी में आप पढ़ते हो ठीक है जैसे कि आपके सनोनम्स uh, हो गए एंटोनम्स हो गए फ्रेजल वर्ब्स हो गए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज वाले पार्ट में ठीक है सेकेंड पार्ट होता है इसका रीडिंग सेक्शन रीडिंग सेक्शन में क्या क्या आता है रीडिंग सेक्शन में जैसा कि आप समझ ही गए होंगे वैसे तो नाम से आपके एक पैसेज मिलेगा आपको ठीक है अनसीन पैसेजेस वाले क्वेश्चंस हम पेपर्स में भी करते हैं अपने स्कूल टेस्ट में भी आते ही हैं एग्जाम्स में इसमें आपको बेसिकली देखना है कि आपको एक पैसेज दिया होगा पैसेज को पढ़ना है अच्छे से उसको अच्छे से समझना है व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू कन्वे व्हाट्स इज द पॉइंट ऑफ द होल पैसेज और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे इजी इसलिए रहेगा क्योंकि ये एम सी हैं तो ऑफकोर्स यू कैन पिन पॉइंट एंड आंसर ठीक है देन द थर्ड सेक्शन इज़ रिटन एंड स्पोकन एक्सप्रेशन ठीक है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन मतलब कि इसमें क्या है आपको बेसिकली आपकी स्पोकन कितनी सही है ये क्या होता है बच्चों कुछ कुछ सेंटेंसेज या बोलने का कुछ तरीका कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तभी आप समझ पाते हो अगर आप इंग्लिश में इंटरेक्ट करते हो दूसरों से तभी आप इजिली सॉल्व कर पाते हो ठीक है कि जैसे कि आपको बेसिकली इसके क्वेश्चन इस तरीके के रहेंगे आपके पास कि आपको जैसे एक सेंटेंस दिया होगा ठीक है और सेंटेंस के बाद एक ब्लैंक दिया होगा किसी और का रिप्लाई है दो लोगों के बीच में जैसे कि कॉन्वर्सेशन है तो उस फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करना है तो इसमें आपको बेसिकली टोन का ध्यान रखना है आपको पंक्चुएशन देखने हैं आपको समझना है कि जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है तो उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिससे कि आपका बेसिकली कॉम्प्रहेंशन ही समझने का है कि आपको कितना बोलना आता है आप कितना टोन्स वगैरह आप कितना समझ सकते हो इंग्लिश में आप कितना इंटरेक्ट करते हो ठीक है फोर्थ सेक्शन होता है अचीवर सेक्शन अचीवर सेक्शन में बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से कुछ ऐसा टॉपिक आता है ठीक है आपके जो फर्स्ट थ्री सेक्शन्स के जो टॉपिक्स हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो क्या होता है क्वेश्चन थोड़े से हायर लेवल के होते हैं हर एक क्लास के लिए जैसे कि सिक्स सेवन्थ एट्थ के स्टूडेंट्स के लिए मान लीजिए अचीवर सेक्शन में क्या होगा जैसे कि अगर सिक्स क्लास का बच्चा है तो उसके अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि देखा जाए तो कोई बच्चे नाइन्थ या टेंथ क्लास के या एट क्लास के सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे ये आपके मेन इसमें पार्ट्स होते हैं इन्हीं को आपको सॉल्व करना होता है वन आर मिलता है आपको आसानी से आपको अगर बेसिक ग्रामर आपकी अच्छे से थरली रिफाइंड है तो आप मेजर मेजॉरिटी ऑफ द पेपर काफ़ी इजिली सॉल्व कर सकते हो ठीक है आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस लाई हूँ ऑल द फोर सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ठीक है इसके बाद की जो वीडियोस रहेंगी उसमें मैं आपके लिए बेसिकली एक अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग वीडियो रहेगी कि किस तरीके के सेक्शन में जैसे कि सेक्शन वन में सेक्शन टू में सेक्शन थ्री में किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कैसे आ सकते हैं इसमें कुछ कुछ आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी मिक्स कर दिए हैं मैंने और कुछ कुछ सैम्पल क्वेश्चन हैं ठीक है थीके? आपको देखना है किस तरीके के क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इस वीडियो में और उनको आप रिफाइन करेंगे तो आप इजिली इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? देखते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द ऑड वन आउट ठीक है okay, so is, out, अब पहली बात तो क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़रूरी है चूज द ऑड वन आउट ऑड वन का मतलब क्या होता है आपने वैसे तो पढ़ा है ऑड इवन वगैरह लेकिन ऑड का मतलब क्या होता है अलग ठीक है कि किसी अलग से चीज़ को यहाँ पे इन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो डिफरेंट है ठीक है बाकी सबसे मैच नहीं कर रहा है ये काफ़ी ईजी लेवल का क्वेश्चन है क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के लिए आ सकता है ये ठीक है इस तरीके का क्वेश्चन तो मतलब ऑड वन आउट के तो हर एक उसमें आ सकते हैं बट ये लेवल काफ़ी ईजी ऑप्शन का हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है कौन सा हमें मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे एम्बिशन डायरेक्शन स्टार्ट और नन ऑफ दीज ठीक है क्या ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं क्या ये सिमिलर हैं वर्ड्स सारे के सारे एम्बिशन क्या होता है जैसा आपको पता होगा एम्बिशन हो, होते हैं बेसिकली यू नो द दॉन्ट टू गो समवेयर टू रीच समवेयर कहाँ पे हमें पहुँचना है दैट इज एन एम्बिशन ठीक है टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ड्रीम राइट तो ये इसका मीनिंग हो गया डायरेक्शन देखते हैं डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है हमें पता है डायरेक्शन का मतलब वैसे तो होता है किसी भी तरीके की दिशा ठीक है लाइक डायरेक्शन को क्या हम कहीं ना कहीं एम्बिशन से सिमिलर मान सकते हैं बिल्कुल मान सकते हैं जब हम इस तरीके के सेंस में ले वी हैव अ डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ अस ठीक है एम्बिशन भी आपका सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है डायरेक्शन जैसे किसी बच्चे को मिल जाता है दैट मीन्स दैट स्टूडेंट नोज वेयर टू गो राइट एम्बिशन भी सिमिलर है क्या स्टार्ट वैसा ही वर्ड है स्टार्ट नहीं है स्टार्ट का मतलब तो होता है कहीं से स्टार्ट करना एम्बिशन और डायरेक्शन है आगे बढ़ने के बाद हमें जो नजर आते हैं ठीक है थीके? तो स्टार्ट इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज दी ऑड वन आउट ऑड वन आउट का ही है ऑप्शन बेटा ऑप्शन देखने से पहले अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से रखना है ठीक है आप क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको चूज क्या करना है ठीक है स्टाउट राउंड स्किनी एम्पल ठीक है इन फोर वर्ड्स में से कौन सा है जो कि डिफरेंट है बाकी सब तो मतलब सिनोनिमस होंगे एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग लिए हुए होंगे लेकिन एक है इनमें से जो कि थोड़ा अलग है ठीक है पहले तो स्टाउट का मतलब देखते हैं क्या मतलब होता है स्टाउट का स्टाउट का मतलब होता है बेटा बेसिकली हट्टा गट्टा ठीक है मोटा ताज़ा सा ठीक है जब आप किसी को देखोगे जो कि अच्छा सा काफी प्लंप सा नजर आ रहा है उसको अपन स्टाउट बोल सकते हैं तो स्टाउट का मीनिंग ये हो गया राउंड का मतलब क्या होता है अफकोर्स राउंड भी हम किसी तरीके की प्लम्प से ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं राइट राउंड का मतलब वैसे तो होता है सर्कल ठीक है लेकिन राउंड हम स्टाउट के सिमिलर मीनिंग में ले सकते हैं जैसे कि बेबी कोई अगर बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा है चबी सा है तो हम उसको राउंड बोल देते हैं तो ये सिमिलर है स्किनी स्किनी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा काफ़ी ईजी वर्ड है वैसे ये स्किनी का मतलब होता है दुबला पतला ठीक है तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंट है इन दोनों के मीनिंग से ठीक है सो दिस इज द राइट आंसर एम्पल का मीनिंग भी देख ही लेते हैं वैसे एम्पल का मतलब भी यही होता है समथिंग दैट इज प्लम्प समथिंग दैट इज वी कैन कॉल समथिंग दैट्स जूसी राइट एम्पल का मतलब भी यही होता है तो बाकी तो वर्ड सिमिलर हैं स्किनी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोनम डैश इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन शी सॉ भावना अप्रोचिंग ठीक है अब यहाँ पे हमें बेसिकली ब्लैंक में क्या आएगा ये देखना है ठीक है ऑप्शंस क्या है टुक इन टुक ऑन टुक ऑफ एंड टुक अप ठीक है मतलब कि किस तरीके के क्वेश्चन है ऑप्शंस में क्या है ये फ्रेजल वर्ब्स हैं क्या बोलते हैं हम इनको फ्रेजल वर्ब्स ठीक है फ्रेजल वर्ब्स ऑफ कोर्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दोनों ही तरीके के क्वेश्चन दोनों ही तरीके के सेक्शन में काम आ सकता है कौन से कौन से एक तो वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज और इसका मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी स्पोकन एंड रिटर्न एक्सप्रेशन वाले सेक्शन में भी ठीक है क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स इस तरीके की चीज़ें होती है इस तरीके के वर्ब्स होते हैं जो कि आपके मीनिंग कन्वे करने का काफ़ी अलग अलग तरीका होता है ठीक है यहाँ पे जैसे कि वर्ब तो क्या है आपके टुक 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 है सब में ठीक है तो ये वर्ब है लेकिन अलग अलग प्रपोजिशंस जोड़ के अलग अलग प्रपोजिशन को ऐड करके एक अलग अलग मीनिंग कन्वे हो जाता है दोज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स तो फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है इन सारे के सारे ऑप्शन का मीनिंग अलग अलग है भले ही इनमें सेम वर्ब यूज़ हुआ है ठीक है तो फ्रेजल वर्ब्स आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है ठीक है तो आप समझ पाओगे कि इसमें क्या आएगा अब हम सेंटेंस को देखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस ट्राइंग टू से ठीक है सोनम डैश इन ऑपोजिट डायरेक्शन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई किसी तरीके से हमें ये बोलना है सोनम ने जैसे ही भावना को अप्रोच करते हुए देखा वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई ठीक है तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा कौन सा फ्रेजल वर्ब होगा एक्चुअली जो कि इसमें फिट होगा ठीक है टुक इनका मतलब क्या होता है किसी को बेसिकली अपने यहाँ किसी तरीके से जगह देना उसने ऐसा तो किया नहीं है वो तो दूसरे डायरेक्शन में चली गई है तो टुक इन इज नॉट द करेक्ट आंसर टुक ऑन टुक ऑन मतलब होता है बेसिकली किसी चैलेंज को टेक ऑन करना मतलब कि किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना यहाँ पे वो भी नहीं हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली गई है टूक ऑफ इज दी करेक्ट ऑप्शन वाई टुक ऑफ मतलब बेसिकली टेक ऑफ करना मतलब क्या होता है अब प्लेन वगैरह या फिर एरोप्लेन जब टेक ऑफ कर रहा होता है हमें पता है क्या मतलब होता है राइट right? एकदम से दूसरे डायरेक्शन में या फिर एकदम से किसी जगह की तरफ जल्दी से बढ़ना ठीक है तो जल्दी से दूसरे डायरेक्शन में पहुंच गई तो टुक ऑफ इज दी करेक्ट आंसर ठीक है टुकअप भी इसी तरीके का है टुक ऑन जैसा ही ठीक तो right है तो दैट इज नॉट द राइट आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं There was just one day left for my birthday. I was dash to open my presents. ठीक है सिर्फ एक दिन बचा था मेरे बर्थडे में और आई वॉज डैश टू ओपन माई प्रेजेंट ठीक है अब किसी बच्चे की तरफ से ही आई है कि उसके बर्थडे आने में सिर्फ एक दिन बचा हुआ है ठीक है वन डे इज़ लेफ्ट तो वो किस तरीके का फील कर रहा होगा वो बच्चा अपने प्रजेंट्स को ओपन करने के लिए रेस्टेड इम्पेश अन ईजी या रेस्टलेस ठीक है अब यहाँ पर हमें यही बताना है राइट right? कि सिर्फ वन डे इज़ लेफ्ट सो ऑफकोर्स द किड इज़ वेरी यू नो लाइक एक्साइटेड टू ओपन देयर प्रेजेंट्स ठीक है तो ये हमें देखना है कि कौन सा वर्ड वो मीनिंग कन्वे कर रहा है कि वो बहुत ही एक्साइटेड है ठीक है उसे रुका नहीं जा रहा है यहाँ पर बता दिया है कि सिर्फ वन डे लेफ्ट ठीक है सिर्फ एक दिन बचा है तो वो ऑफकोर्स क्या है उसके अंदर रहा नहीं जा रहा है उससे तो ऑफकोर्स इमपेश राइट आंसर रेस्टेड का मतलब तो होगा कि हाँ वो ठहरा हुआ है वो आराम से है अनइजी तो क्यों ही होगा ऑफकोर्स देर इज अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट अन इज नॉट गोइंग टू कन्वे दैट फीलिंग अनइजी का मतलब तो हम बेसिकली कंफर्टेबल नहीं है कहीं ना कहीं रेस्टलेस रेस्टलेस भी आ सकता है रेस्टलेस का लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉनोटेशन भी जुड़ा होता है रेस्टलेस के साथ ठीक है यहाँ पे जो वर्ड सबसे ईजिली फिट हो रहा है दैट इज उससे रहा नहीं जा रहा उससे ठहरा नहीं जा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लाइट टू मुंबई टेक्स डैश देन सिक्सटी मिनट्स ठीक है द फ्लाइट टू मुंबई टेक्स डैश देन सिक्सटी मिनट्स ठीक है अब हमें बेसिकली यहाँ पे देन को देखना है ठीक है किस तरीके के उसमें से आया ये क्वेश्चन देन के पहले क्या आता है बेटा कंपेरेटिव डिग्री राइट कंपेरेटिव डिग्री ऑफ वट कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव तो मतलब कि ये आपका एडजेक्टिव का क्वेश्चन है ठीक है कि यहाँ कितना टाइम लेती है कम टाइम लेती है ठीक है देखते हैं कौन सा वैसा है फ्यूअर फ्यू लेस लेसर ठीक है अब इसमें से फ्यूअर और फ्यू क्यों नहीं हो सकता सबसे पहली चीज़ तो कि ये यह यहाँ पे काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है और यहाँ पे हम मिनट्स की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे हमें बताना है कौन सा वर्ड है जो कि हमें कम का मीनिंग कन्वे कर रहा है और साथ में कंपेरेटिव वाला मीनिंग भी कन्वे कर रहा है दैट इज़ लेस ठीक है लेस अपने आप में कंपेरेटिव वर्ड है सो लेस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज वन आउट फ्रॉम ईच सेट ऑफ वर्ड्स ठीक है तो इसमें भी हमारे वही क्वेश्चन है ऑर्ड वन देखना है हमें वच वन इज वर्ड आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज ठीक है फोर्सबल पोर्टेंट वीक एंड नन ऑफ दीज ठीक है तो अब यहाँ पे हमें मीनिंग पता होना चाहिए फोर्सेबल मतलब समथिंग दैट हैज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स राइट दैट कैन अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ फोर्स तो ये मीनिंग हो गया हमारा ठीक है पोटेंट का मतलब क्या होता है पोटेंट का मतलब भी होता है बेसिकली समथिंग दैट हैज सम सॉर्ट ऑफ पावर ठीक है पोटेंट का मतलब ये होता है जिसमें किसी तरीके की पावर हो एनर्जी हो ठीक है तो यहाँ पे पोटेंट और फोर्सेबल जो है वो सिमिलर मीनिंग वाले हो गए वीक का मतलब हमें समझ आता है वीक का मतलब होता है कमजोर समथिंग दैट डज नॉट हैव एनी एनर्जी और समथिंग दैट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पावर सो विल कॉल इट वीक तो यहाँ पे ऑफकोर्स वीक इन दोनों से अलग है सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज द राइट स्पेलिंग अब इस तरीके के क्वेश्चन uh, भी आते हैं बच्चों कि आपको बेसिकली राइट स्पेलिंग या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपको मिस स्पेल्ड वर्ड्स देखने होंगे उस तरीके के हो सकते हैं ठीक है तो इसमें आपको बेसिकली ऑफकोर्स आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड को किस तरीके से स्पेल किया जाता है ठीक है सो लेट्स लुक एट दिस ऑप्शन ब्लेसफुली ब्लैसफुली ब्लिसफुली ब्लेसफुली ठीक है बेसिकली ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता ठीक है आप समझ जाओगे बेसिकली ब्लिसफुली का मतलब क्या होता है कि किसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में बहुत ही ब्लिसफुली मतलब कि समथिंग दैट इज़ वेरी फॉर्चुनेट इस तरीके से हम कह सकते हैं फॉर्चुनेटली ब्लिसफुल मतलब यू नो समबडी इज़ वेरी ब्लेस्ड और अ सिचुएशन हैज़ बीन वेरी ब्लेस्ड ठीक है तो यहाँ पे ब्लिसफुली मतलब क्या होता है मतलब तो हमें पता है स्पेलिंग ही देखनी है हमें तो यहाँ पे भले ही बच्चे हो सकता है कि ब्लेस देख के कंफ्यूज हो जाए बट दिस इज नॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड ठीक है ब्लिस फुली की करेक्ट स्पेलिंग है ये डी इज ऑल्सो रॉन्ग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिनोनिम ऑफ क्लमजी सिनोनिम ठीक है सिनोनिम बताना है हमें ना कि ऑपोजिट सिनोनिम का मतलब क्या होता है बच्चों सिनोनिम का मतलब होता है अ वर्ड दैट इज सिमिलर मीनिंग ठीक है अ वर्ड दैट हैज समर्ट ऑफ सिमिलर मीनिंग टू क्लमजी ठीक है क्लमजी का एक तरीके से सिमिलर वर्ड देखना है हमें यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं एक बार ऑकवर्ड एलिगेंट रिफाइंड एंड टेस्टफुल ठीक है तो क्लमजी का मतलब होता है बेसिकली समथिंग दैट इज नॉट इन ऑर्डर राइट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली वेरी गुड और वेरी यू नो नीट एंड क्लीन ठीक है क्लमजी होता है थोड़ा सा मेसी ठीक है कौन सा वर्ड इससे सिमिलर हो सकता है ऑकवर्ड ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है ऑकवर्ड दैट इज़ ऑफकोर्स यूज काफ़ी यूज़ होता है ये वर्ड आजकल राइट ऑकवर्ड मतलब होता है एग्जैक्टली नॉट यू नो इन पर्टिकुलर ऑर्डर एक कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हम किसी चीज़ में तब हम ऑकवर्ड होते हैं ठीक है बाकी वर्ड्स देखते हैं एलिगेंट एलिगेंट का मतलब क्या होता है एलिगेंट का मतलब होता है समथिंग दैट लुक्स वेरी ग्रेसफुल ठीक है बहुत ही ग्रेसफुल होना किसी चीज़ का रिफाइंड का भी यही मीनिंग है रिफाइंड इज इन वेरी गुड टेस्ट मतलब कि रिफाइंड मतलब कि किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से बार बार उसको चेंज किया गया है टू मेक इट बेटर दैट इज़ रिफाइंड टेस्टफुल मतलब टेस्टफुल मतलब भी यही है कोई चीज़ टेस्टफुली की जाती है मतलब कि बहुत अच्छे से की गई हो कोई चीज़ ठीक है सो द ओनली वर्ड दैट इज सिमिलर मीनिंग इज ऑकवर्ड ठीक है क्लमजी के सिमिलर मीनिंग वाला तो इसमें सिर्फ ऑकवर्ड है बाकी तीनों वर्ड्स दे ऑल हैव अ वेरी पॉजिटिव कॉनोटेशन अटैच टू देन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आई ओनली डैश अ लिटल सॉल्ट फॉर माई बिरयानी ठीक है मुझे थोड़ा ही सॉल्ट चाहिए मेरी बिरयानी के लिए ठीक है ये किस तरीके का क्वेश्चन है बेसिकली ये टेंस में से आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है टेंसेज का जो चैप्टर है आपका उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है हम क्या कह रहे हैं बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है वैसे मुझे अपने बिरयानी के लिए थोड़ा सा ही सॉल्ट चाहिए ठीक है अब इसमें किस तरीके का <coughs> ऑप्शन uh, आएगा वॉन्ट वॉन्टिंग हैव वॉन्टेड विल वॉन्ट ठीक है हमें ऑप्शन को देख के पता चल रहा है सेंटेंस को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा वॉन्ट ठीक है मुझे अपनी बिरयानी के लिए थोड़ा ही सॉल्ट चाहिए ठीक है इसमें कोई दूसरे ऐसे uh, कहीं पे कोई एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर कोई दूसरा क्लॉज ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है कि इसमें आपके पास किसी तरीके से फ्यूचर टेंस आएगा या फिर परफेक्ट uh, टेंस आएगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है इसीलिए हमें इज़ीली पता चल जाता है कि हमें सिंपल प्रेजेंटेंस का सेंटेंस बनाना है और सिंपल प्रेजेंटेंस सिर्फ ए ऑप्शन में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दीज बैंगल्स डैश चीपर इन सुल्तान बाजार ठीक है ये जो बैंगल्स है ये कहाँ पे चीपर मिल जाएंगे सुल्तान बाजार में कम पैसों में मिल जाएंगी ठीक है इज वॉज आर विल ठीक है अब यहाँ पे इज क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है ठीक है हमें दीज से भी पता चल रहा है और बैंगल से भी पता चल रहा है कि हमें प्लूरली वर्ब यूज करना है ठीक है वॉज भी नहीं होगा क्योंकि वही सिंगुलर है ठीक है आर यूज होगा बिल्कुल होगा सी ही करेक्ट आंसर विल क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर हमें विल बताना होता कि सस्ती मिल जाएंगी इस आंसर को करेक्ट होने के लिए यहाँ पे विल के बाद बी भी होना पड़ता राइट यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका टेंसेज का ये बच्चों टेंसेसिस का भी है और किसका है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी

अग्रीमेंट इस टॉपिक को बच्चों अच्छे से पढ़ लेना है क्यों क्योंकि ये आपका टॉपिक बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर है ठीक है आप लोगों को इस टॉपिक को समझ लेंगे तो आपको बेसिकली हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी ठीक है देखते हैं जितने भी सिलेक्ट हुए हैं टीम के लिए उन सबको प्रैक्टिस के लिए आना है ये आपका क्या है एवरीवन क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है अब आप लोगों ने अगर एस बी अच्छे से पढ़ा है तो इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ क्या होता है क्या यूज होता है इनका बेसिकली एक ग्रुप के मेंबर्स को के किसी ग्रुप को जब हम उस ग्रुप के नाउंस को इंडिविजुअली एक एक करके एड्रेस कर रहे हूँ ठीक है ऑल दो काफी सारे हैं नाउन्स लेकिन हम उनको इंडिविजुअली एड्रेस कर रहे हैं तो हम उन्हें सिंगुलर ही मानते हैं एवरी या फिर एवरी एवरी थिंग ईच इन सब के साथ क्या होता है सिंगुलर ही वर्ब यूज होती है ठीक है सिंगुलर वर्ब यूज करनी है हमें और हमें यह भी बताना है कि टू भी आ रहा है मतलब हमें क्या बताना है कि आना होगा तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों मॉडल वर्ब के उसमें भी आ जाएगा हम यहाँ पे एक वो बता रहे हैं कंपल्शन ठीक है कि सभी को प्रैक्टिस के लिए आना होगा अब हम एक एक की बात कर रहे हैं इसलिए हमें क्या देखते हैं हैव टू कम टू प्रैक्टिस अगर हम यहाँ पर प्लूरल की बात कर रहे होते तो हैव आ सकता था लेकिन हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है हमें एवरी वन के अकॉर्डिंग तो ये इसका गलत आंसर है आर भी नहीं आएगा ठीक है विल भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर विल के साथ टू वगैरह कुछ भी नहीं आता मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है ठीक है हैज़ इसका आंसर है हैज़ टू कम फॉर प्रैक्टिस हर एक बच्चे को जो कि टीम में सेलेक्ट हुआ है उसे प्रैक्टिस के लिए आना है ठीक है तो ये सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर के कंप्लीटली uh, अच्छे से रिफाइंड होने जरूरी हैं ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग ऑफ यू राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड हमें सिनोनिम देखना है बच्चों सिनोनिम इज द सिमिलर वर्ड ठीक है जो अंडरलाइन वर्ड है क्या है इडियोटिक ठीक है हिज बिहेवियर इज आई डोंट हिम एवर मतलब कि उसका बिहेवियर जो है वो काफी इडियोटिक है मैं कभी भी उसे एनकरेज नहीं करता हूं ठीक है तो ये इस क्वेश्चन में हमें एडियोटिक का ऑप्शन जो दिए हुए हैं एडियोटिक का जो सिमिलर वर्ड है सिनॉनम्स आर सिमिलर सिमिलर इन मीनिंग राइट तो हमें यहाँ पे एडियोटिक का ऐसा वर्ड यूज करना है जो कि सिमिलर इन मीनिंग हो इम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है राइट right? फूलिश बिल्कुल है बहुत ही इजी आंसर है इसका आइडियल भी सही होगा तो यहाँ पे नहीं है इंटेलेक्चुअल दैट इज़ वेरी इंटेलिजेंट ठीक है तो ये भी नहीं होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है फूलिश इज दी करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ये देखो बेटा ये आपका बेसिकली जो आपके स्पोकन और रिटन एक्सप्रेशन वाला जो सेक्शन होगा उसमें से है ये क्वेश्चन आपके उस तरीके के डायलॉग्स दे दिए जाएंगे जिससे कि आपको समझना है कि आगे आने वाले डायलॉग में बेसिकली किस तरीके का वो आने वाला है किस तरीके का टॉपिक आने वाला है या कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं जैसे कि एक डायलॉग है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है तो कौन सा यहाँ पे इनमें से कौन सा फिट बैठ रहा है ठीक है सुधीर ने पूछा राम से राम हाउ डिड यू डैश इन योर एग्जाम्स बेसिकली मतलब कि तुमने कैसा किया अपने एग्जाम्स में कैसा परफॉर्म किया ठीक है राम कह रहा है नो वरीज आई हैड स्टडीड वेरी डैश दिस टाइम ठीक है तो नो वरीज से हमें पता चल रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैंने इस बार काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी ठीक है तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सेट ऑफ़ वर्ड्स क्योंकि हर एक ऑप्शन में दो वर्ड्स मिले हुए हैं हमें ठीक है कौन सा सेट ऑफ़ वर्ड्स यहाँ पर फिट बैठता है पहले में हम फेयर लिख सकते हैं हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम्स मतलब कि कैसा गया बेसिकली हाउ डिड यू परफॉर्म फेयर और हार्डली ये तो गलत है ठीक है राइट हाउ डिड यू राइट इन योर एग्जाम आई हेड स्टडीड वेरी अलॉट भी गलत होगा तो सी भी नहीं है हाउ डिड यू गेट इन योर एग्जाम्स आई हेड स्टडीड वेरी वेल दिस टाइम पर यहाँ पे ये गेट जो है वो गलत है ऑल दो वेल तो इसका सही हो सकता था ठीक है गेट इन योर एग्जाम्स नहीं होगा ये एक फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे सो ए इज़ दी करेक्ट आंसर ठीक है हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम्स मतलब कि कैसा गया तुम्हारा एग्जाम आई हैड स्टडी इट वेरी हार्ड ठीक है तो बेटा क्या होता है आपके स्पोकन और रिटन एक्सप्रेशंस वाले जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें आपको बहुत बार ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं जहाँ पे हम देखें तो मोर देन वन ऑप्शन ठीक है मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट ठीक है आपके एक से ज्यादा ऑप्शन जो होते हैं वो ग्रामेटिकली तो सही हो सकते हैं ठीक है ग्रामेटिकली करेक्ट लेकिन हमें क्या देखना है जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से सबसे एक्यूरेट हो जो कि उस सिचुएशन में जो कि आपको दिया हुआ है उसमें सबसे सही बैठे वो वाला आंसर आपको चूज करना है ठीक है तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो है ए ऑप्शन जो है वो सबसे सही सबसे एक्यूरेट यहाँ पे फिट हो रहा है इसीलिए हमें सही आंसर ये ही चुनना है ये आपका बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशनल आप उस कॉन्वर्सेशन को समझ सकें ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अच्छा बच्चों ये आपका बेसिकली क्या आ गया रीडिंग सेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है ठीक है रीडिंग सेक्शन में आपको बेसिकली अगर आपको पैसेज समझ में आ जाता है तो काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन होता है ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि उसके आंसर्स कहीं ना कहीं पैसेज में ही होते हैं ठीक है देखते हैं एक बार ये पैसेज पढ़ते हैं मोर देन अंड्रेड यंग स्टूडेंट्स टर्नड अप टू ऑडिशन फॉर अ पार्ट इन द फेमस म्यूज़िकल रोमियो एंड जूलियट ठीक है रोमियो एंड जूलियट हमें पता है एक म्यूज़िकल है बहुत से बच्चे ठीक है मोर देन हंड्रेड यंग स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स अप मतलब वहाँ पे आए ऑडिशन देने के लिए ताकि उन्हें रोमियो और जूलियट वाले म्यूजिकल में पार्ट करने को पार्टिसिपेट करने को मिले द गर्ल्स वो आर होपिंग टू प्ले द लीड रोल ऑफ जूलियट बाई द बॉयज वी रोमियो ऑफकोर्स जितने भी स्टूडेंट्स uh, वहाँ पे ऑडिशन दे रहे होंगे गर्ल्स वॉन्टेड टू बी चूजन टू प्ले जूलियट एंड द बॉयज वी चूजन टू प्ले रोमियो दो गॉट थ्रू द ऑडिशन वुड हैव अ चांस ऑफ हैविंग अ रोल इन द म्यूजिकल ठीक है जिन लोगों का ऑडिशन में पास हो गए थे उनको ऑफकोर्स चांस मिलेगा म्यूजिकल में किसी रोल को प्ले करने का एवरी वन वेटेड इन द स्कूल हॉल टू रजिस्टर। दे वर ईच गिवन अ नेम टैग विद अ नंबर। ठीक है उन सबको नेम टैग मिला था एक नंबर के साथ देन वर अशर्ड इन टू अ थिएटर। अशर्ड इन टू मतलब ले जाया गया उनको लीड किया गया एक थिएटर में ठीक है इट वॉज एन एगनाइजिंग वेट एगनाइजिंग मतलब बेसिकली बहुत ही परेशानी क्रिएट करने वाला ठीक है एगनाइजिंग मतलब होता है यहाँ पे काफ़ी इम्पेशेंट काफ़ी रेस्टलेस किसी को बनाने वाला इस तरीके का वेट था ईच वन वॉज आज टू इंट्रोड्यूस दम सेल्व इन फ्रंट ऑफ अ पैनल ऑफ टीचर्स द एक्चुअल ऑडिशन टुक ओनली फाइव मिनट्स बट द टीचर्स टुक अ लॉन्ग टाइम डिलिबरेटिंग बिफोर कॉलिंग द नेक्स्ट ठीक है तो हरेक को जितने भी ऑडिशन देने वाले थे उनको टीचर्स के सामने बुलाया गया देर वॉज अ पैनल ऑफ़ टीचर्स गोइंग टू जज द ऑडिशन ठीक है तो उनको बुलाया गया सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था और उसमें काफी टाइम लग रहा था द एक्चुअल ऑडिशन ठीक है दी एक्चुअल ऑडिशन ओनली टू फाइव मिनट्स लेकिन टीचर्स जो है वो काफ़ी टाइम ले रहे थे डेलिब्रेटिंग डेलिब्रेटिंग मतलब कि बेसिकली डिस्कस करना किसी का ऑडिशन जो हुआ है उसके बारे में बात करना किसी से पूछना उसको डिस्कस करना बेसिकली उसमें वो काफ़ी टाइम ले रहे थे मोस्ट ऑफ देम वर सो नर्वस दैट बाय द टाइम दे स्टेप्ड ऑन स्टेज दे वर टंग टाइड

जिन्होंने अपने टीचर्स को काफी किया। to जो कि मंबल कर रहे थे मतलब कि क्लियरली नहीं बोल रहे थे उनको इमीडिएटली बोल दिया गया कि वहां से वो चले जाए ऑफकोर्स स्टेज पे अगर आपको कुछ प्ले करना है तो आपको अपनी वॉइस में काफी क्लैरिटी लानी होगी ठीक है देयर वॉज अ लुक ऑफ एरिटेशन ऑन द टीचर्स फेसिस इट है ऑडिशन ठीक है यहाँ पे बहुत सो को टीचर्स को परेशानी हो रही थी इरिटेट हो रहे थे क्योंकि उन्हें बोला गया था स्टूडेंट्स को कि जो लोग अपनी आवाज़ अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं उन्हीं को ये ऑडिशन अटेम्प्ट करना चाहिए ठीक है इसलिए बहुत से टीचर्स काफ़ी अनोय हो रहे थे आफ्टर थ्री आवर्स इट वॉज क्लियर दैट वन गर्ल्स स्टूड आउट आफ्टर थ्री आवर्स वन गर्ल्स स्टूड आउट एक लड़की उन्हें मिल गई To play Juliet, she was tall and beautiful and she spoke articulately. वो बहुत अच्छे से बोल रही थी. She looked like a seasoned stage performer. ठीक है. और वो जो girl थी, what did she look like? She looked like a seasoned. Season means basically जिसने काफी experienced किया हो, काफी experienced हो. जैसे कि वो काफी time से stage पे perform करते आ रही हो. Another boy was equally impressive. ठीक है. एक और boy था, which who was also impressive. He delivered his lines. फ्लुएंटली ठीक है उसने भी अपनी लाइन्स काफ़ी अच्छे से डिलीवर की इट वॉज ऑब्वियस हु वुड भी सिलेक्टेड फॉर द प्ले ठीक है और इस ऑडिशन के बाद ऑफकोर्स ये क्लियर हो गया कि बोथ ऑफ दीज स्टूडेंट्स वुड भी सिलेक्टेड टू प्ले रोमियो एंड जूलियट ओके क्वेश्चन देखते हैं द पर्पज ऑफ द ऑडिशन वॉज टू गिव पीपल अ चांस टू एक्ट ऑन स्टेज सिलेक्ट एक्टर्स फॉर द म्यूजिकल गिव अन ट्रेन एक्टर्स अ चांस टू एक्ट लेट द स्टूडेंट है ऑडिशन का हमें पता है पर्पज़ क्या होता है ऑडिशन सिर्फ uh,

आज देम टू इन एक्ट ऑन स्टेज आज देम टू सेंड द नेक्स्ट पर्सन ठीक है उन्हें जानने के लिए क्या हुआ था कि पता चल सके ऐसे नॉर्मल ऑडिशंस में भी होता है आपको बेसिकली एक टैग लगा दिया जाता है आपके टी शर्ट पर जो भी आपने पहना हुआ है सो योर नंबर कैन बी रिटर्न ईजिली राइट जैसे कि अगर कोई आया है नंबर फिफ्टीन पे है तो मे बी सबको उनका नाम याद नहीं रहेगा बट एक बड़ा सा नंबर टैग लगा हुआ है तो जो जजेस हैं जो टीचर्स है वो बस नंबर फिफ्टीन लिख सकते हैं सो दे वुड रिमेंबर हु वो सिलेक्टेड फॉर विच रोल ठीक है so तो क्या मिला था उन्हें हमने देखा था पैसेज में लिखा हुआ था कि यहां पे उनको ठीक है उन्हें मिला हुआ था ये name tag with a number, तो यही उनको आइडेंटिफाई <coughs> करने के लिए हुआ था सो ए इज द करेक्ट आंसर ये तो बिल्कुल नहीं है ठीक है सी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर उन्हें ऐसा नहीं था कि बोला गया था कि भाई आप जाके करो वो ऑडिशन के लिए आए थे आज देम टू सेंड द नेक्स्ट पर्सन नॉट एट ऑल ठीक है आगे देखते हैं विच वर्ड्स टेल यू दैट द स्टूडेंट डिड नॉट है प्लेजेंट टाइम वेटिंग फॉर देअर टर्न ठीक है अब हमें यहाँ पे सेंटेंसेस देखने हैं इसमें कौन से सेंटेंस से पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए वो जो टाइम था वो ऐसा नहीं था फन नहीं था उन्हें बहुत ही मुश्किल हो रही थी द वर्ड इज एगनाइजिंग ठीक है यहाँ पे इट वॉज एन एगनाइजिंग वेट मतलब कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल वाला टाइम था वो जो उन्हें स्पेंड करना पड़ा ठीक है अशर्ड नर्वस एगनाइजिंग इरीटेशन ये जो वर्ड्स हैं ये करेक्ट क्यों नहीं है क्योंकि अशर्ड का मतलब भी कुछ और होता है उन्हें ले जाना नर्वस कौन थे स्टूडेंट्स थे पर इससे इसका मतलब नहीं वो हो रहा है डिड नॉट हैव अ प्लेजेंट टाइम ठीक है ये वाला मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है ये सिर्फ एगनाइजिंग से हो रहा है इरीटेशन तो टीचर्स को फील हो रहा था राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डर टीचर्स फेल्ट दैट दो स्टूडेंट्स हु डैश हैड द ट दम डाउन ऐसे कौन से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टीचर्स को लेट डाउन किया था ठीक है मम्बल मेनी टाइम्स फॉर गॉट देयर लाइन टोटली कुड नॉट स्पीक सॉफ्टली एट ऑल डिड नॉट स्पीक इलोक्टली बेसिकली कौन से उन्होंने देखा जाए तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं बहुत से तो ये चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि वो नर्वस हो गए बच्चे टीचर्स को किन लोगों से डिसपॉइंटमेंट हुई थी जो कि मम्बल कर रहे थे क्योंकि क्योंकि उनको पहले ही बता दिया गया था कि सिर्फ वही लोग ऑडिशन दें जिनकी की वॉइस में क्लैरिटी हो जो कि अपनी वॉइस को क्लियरली प्रोजेक्ट कर सकते हो सो द लाइन्स ऑफ टीचर बींग केम आफ्टर द मम्बलिंग स्टूडेंट्स ठीक है इससे हमें पता चलता है ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वर्ड आर्टिक्युलेटली ठीक है आर्टिक्युलेटली इन द लास्ट पैराग्राफ हैज द सेम मीनिंग एज डैश इन द सेम पैराग्राफ ठीक है अब आपको इसी पैराग्राफ में एक और वर्ड है जिससे कि सिमिलर मीनिंग है इसका ठीक है देखते हैं हम लास्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों uh, कहाँ पे है आर्टिकुलेटली वर्ड ये रहा ठीक है शी वॉज टॉल एंड ब्यूटिफुल एंड शी स्पोक आर्टिकुलेटली उसने काफ़ी अच्छे से बोला अब इसमें और कौन सा वर्ड आ रहा है वैसे तो इम्प्रेसिव भी आ रहा है ठीक है और सीजनड भी आ रहा है ठीक है और फ्लुएंटली भी आ रहा है ठीक है यहां पर फ्लुएंटली करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्योंकि उस बॉय ने भी अपने लाइन्स फ्लुएंटली डिलीवर की मतलब कि उसने भी आर्टिक्युलेटली ठीक है फ्लूएंटली मतलब क्या होता है बिना रुके बिना किसी तरीके interruptions के इंटरप्शंस के बहुत ही अच्छे से डिलीवर की अपने लाइन्स तो आर्टिक्युलेटली का सिमिलर मीनिंग लिए हुए जो वर्ड है दैट इज फ्लुएंटली ठीक है सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है यहाँ पे द ओनली वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू आर्टिकुलेटली इज फ्लुटली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छा बच्चों अब ये पैसेज का क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं चूज द एंटेनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है इसमें जो कि उसका एंटनिम बताना है हमें पहले एक सिमिलर क्वेश्चन आया था जिसमें हमें सिनोनिम बताना था एडियोटिक का इसमें हमें एंटेनिम बताना है ठीक है किसका अबैंडन का ठीक है सेंटेंस देखते हैं दे अबेंडन देअर ओल्ड हाउस वेन दे बिल्टर न्यू वन उन्होंने अपना पुराना वाला घर बेसिकली छोड़ दिया जब वो उन्होंने नया बनाया ठीक है सो कौन सा वर्ड है जो कि ऑपोजिट है एंटनिम का मतलब क्या ऑपोजिट इन मीनिंग ठीक है था दैट वाज सिमिलर इन इन मीनिंग मीनिंग इज ऑपोजिट ठीक है विकेट केप्ट डिजर्टेड या फ्रीड ठीक है अब उन्होंने अपना घर बेसिकली पहले वाला छोड़ दिया जब नया बनाया तो विकेट तो बिल्कुल सही वर्ड है यहाँ पे कैप्ट क्या उन्होंने रखा कैप्ट का मतलब होता है उन्होंने रखा ठीक है तो ये अलग है डिजर्टेड का मतलब भी होता है कोई चीज़ को छोड़ देना ठीक है और फ्रीड मतलब भी बेसिकली सिमिलर ही होता है ऑल दो सेम सेंस में नहीं है पर फ्रीड का मतलब भी ये होता है किसी को आज़ाद कर देना राइट तो फ्रीड भी यहाँ पे सिमिलर ही सेंस में आ रहा है सो कैप्ट इज दी ओनली वर्ड दैट इज़ इन ऑपोजिट मीनिंग ठीक है तो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आपको देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच का ठीक है रूल्स पता होने चाहिए कि टेंस कैसे चेंज होगा प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे कौन से कौन से मेन चेंजेस होते हैं जो आपको बेसिकली डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए करने होते हैं ठीक है द बॉय सेड आई हैव ईटन माई ब्रेकफस्ट द बॉय स्ट पहली बात तो हमें यहां देखना है कि कौन सा टेंस यूज हो, मतलब right? हो रहा है और यहां पर जो है पास्ट है सिंपल पास्ट तो बच्चों सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान के रखनी है कि जब आपका ये जो सेड है जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर सिंपल पास्ट टेंस में है, मतलब की से नहीं है विल से नहीं है सेड है सेड है तो आपको डायरेक्ट स्पीच वाले uh, टेंसेज में चेंज करना है अब चेंज करना है आप लोगों को पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में ठीक है तो हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है एक तो जिसमें कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रखा हो ठीक है देखते हैं द बॉय सेड ये तो सब में आ रहा है अब यहाँ पे कनेक्टर भी यूज होता है कॉमास को हटा के क्या करते हैं हम दैट लगा देते हैं में ठीक है तो दैट आ गया अब यहाँ पे आई जो है प्रोनाउन जो है वो भी चेंज होगा किसमें ही में राइट हमें बताना है कि उसने खाना खा लिया चेंज होगा तो ही भी सब में ही आ रहा है अब हमें देखना है कहाँ पे हैड यूज हो रखा है ये तो नहीं होगा क्योंकि ये हैज ही कर दिया है इन्होंने इसमें ठीक इस है हैड इसमें है यहाँ पे पास्ट कर दिया जो कि गलत है ठीक है ये तो क्या हो गया बेटा सिंपल पास्ट हो गया सिंपल पास्ट नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट्स इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस ठीक है तो हैड इसमें भी आ रहा है ठीक है ये दो ऑप्शन है हमारे पास जो कि सही हो सकते हैं अब बाकी आगे क्या है किसमें क्या गलत है जब हमें यहाँ पे चेंजेस हमने ही वाले प्रोनाउन में किए हैं आय को ही में चेंज किया है तो माए को भी तो चेंज करना होगा ना आय के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको भी तो चेंज करना होगा बेटा राइट right? तो इसीलिए ही हैड ईटन इन माई ब्रेकफास्ट होगा या ही हैड ईटन हिज ब्रेकफास्ट होगा उसने अपना ब्रेकफास्ट किया ना तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हमें इस तरीके के सारे चेंजेस को देखना होगा इनडायरेक्ट स्पीच वाले क्वेश्चन uh, को करेक्टली सॉल्व करने के लिए ठीक है सो डी इज द करेक्ट आंसर वाई बिकॉज इसमें सारे अप्रोप्रिएट चेंजेस हो रखे हैं ठीक है इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों ये वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप आप लोगों को समझ में आया हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको आई में मिलेंगे ठीक है इसके अलावा आपके मैं हर एक सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें आपको हर एक सेक्शन को उसमें किस तरीके के टॉपिक्स आएंगे किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे उसमें आपको मदद मिलेगी ठीक है सो आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गुड लक